हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं दुआ है यार, मैं खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं UK07 एडिटेड वीडियोस इन बिग बॉस पर, जो कि आप लोग की रिक्वेस्ट है। गाइस अपने ऐप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनका लुक सबसे हटके आपसे बर्तन नहीं मांग रहे हो, मैंने पूछा आपसे बर्तन नहीं मांग रहे हो। ईशा मेरे साथ बर्तन मांजती है। अरे भाई तुम मेरे आपस में डिस्कस नहीं करते हो। अरे बात वाले लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हो कि क्या है आपका जॉब। दोबारा पूछने में कुछ गलती है क्योंकि आपको क्लियर नहीं है, मेरे पे गलती है। अरे मेरे को क्लियर नहीं है, पूरे घर में डिसाइड हो रहा है, क्लियर नहीं डिसाइड हो रहा है। यही मुद्दा है कि आप दिमाग वालों में दिमाग नहीं है, आप अपना यूज करो। आगे तो अपना मत करो। चल तू चल बिल्कुल नॉनसेंस कुछ भी है। तू तू चुप करवा टोटल निकल। अभी तक यूके 17 में उतने ही दिखे हैं जितना कि मैं, और गम मुझे सबसे ज्यादा इस बात का है कि ये मुझे लास्ट मंथ 2 बार मिले और मैंने इनके साथ एक भी रील नहीं बना के रखी, वरना अब अपलोड करता ना स्लोमो में चलते हुए, पीछे देसी गाना बजाते हुए। 5 मिलियन व्यूज कहीं नहीं गए थे, इतने तो बिग बॉस के एपिसोड पे आ भी नहीं रहे। बिना खून का रिश्ता हुए जो व्यक्ति आपके लिए खड़ा होता है वो दोस्त होता है। तुम भाई किसको सपोर्ट कर रहे हो बिग बॉस में? कटारिया तू किसको सपोर्ट कर रहा भाई? पता नहीं यार भाई, ऑब्वियसली अनुराग ब्रो, अनुराग भाई को सपोर्ट कर रहा है। हमारा सपोर्ट कहाँ जाए फिर कटारिया भाई? अभी तो कुछ आने तो दो, जब जब मैंने YouTube पे करियर शुरू करा भानी वाला गाँव से, तो लोग ना मुझ पर हंसा करते थे कि भाई क्या ये हेलमेट पे कैमरा लेकर के घूमते हैं, क्या करता है बाइक पे। लोग पापा मम्मी को ताने देते थे कि आपका लड़का बस इधर उधर घूमता रहता है। किसी दिन ये और आज देखो यही लोग तारीफ करते हैं। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। बाप समझ रहा क्या अपने आप को? और उसके बाप का घर है क्या? ये मेरे पे चढ़े तो सही भाई, तब पता लगेगा। हम लोग सब सक्षम है अपना अपना करने के लिए। बहुत अच्छी करते हैं। क्या खतरनाक झगड़े हो रहे सबके, सारे एक दूसरे से बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ आके सबसे हटते हैं। अलोनी काफी है। सुप्रा अभी तक इंडिया में नहीं है, लेकिन हाँ यार UK07 को जो लोग देख रहे हैं। बेइज्जती नहीं पसंद, ये मत बोलो कि हम टीवी वाले हैं और तुम लोगों को हमारी वजह से तकलीफ। मुनावर डिडंट टेक अ स्टैंड फॉर अ कम्युनिटी, ये बात याद रखना। मुनावर ने स्टैंड नहीं लिया भाई, बना तो यूट्यूब से ही है ना, तो 2 करोड़ भी देने ना भाई, आई विल गिव इट, नो वरीज। उन्होंने हमें खबर दी है कि सोशल मीडिया पर आपके 12 मिलियन रोसेना है। अरे आपका नहीं है, पूरा भारत बोलता है। हाँ सॉरी, मेरी गलती है। देख कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मैं से रुला दूंगा भाई 10 मिनट में। नहीं मैं सॉरी, मेरी सॉरी बोल रही। तो गाइस बिग बॉस मीटर कंपटीशन चल रहा था अनुराग डोभाल और मुनव्वर फारूकी के बीच में। कल तक तो मुनव्वर फारूकी आगे थे, लेकिन दोस्तों आज एल्विश यादव की आर्मी अनुराग डोभाल के सपोर्ट में आ गई, जिसके बाद हुआ क्या कि अनुराग डोभाल के जो ट्वीट थे, जो हैशटैग वाले कमेंट थे, वो ज्यादा हो गए और उसके बाद अनुराग डोभाल नंबर 1 पर आ गए। और आज 2 बजे डिक्लेयर हो गया कि भाई साहब बिग बॉस के पहले वीक का मीटर बॉस अनुराग डोभाल ने, यानी कि बाबू भैया ने जीता। इस प्लेटफॉर्म में ये गालियां नहीं खाई है लोगों की, जो तुम इस लेवल पे बनी हो आज। कौन ऐसा बंदा है इस घर में जिसको लोगों ने ताने नहीं दिए, जिसको लोगों ने नीचा नहीं दिखाया? हम सब लोगों को लोगों ने नीचा दिखाया ना, किसी ना किसी ने तो नीचा दिखाया होगा ना, तभी तो उनके ताने और उनके नीचे दिखाने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ कर पाए ना जिंदगी में। हाँ सही बात है। आपको लोग आपकी औकात से लो ना दिखा दे ना। लोगों को लगता है कि भाई भाईचारा नीचे लेगा, रहना तो सिस्टम के नीचे पड़ेगा। बाबू डोंट गो, इसको पकड़ यार अभिषेक प्लीज। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कैसा लगा घर? बहुत अच्छी आवाज है, लेकिन बोलती तो ज्यादा अच्छी होगी। भाई सारे भाई एक बार ये वीडियो देखो। बी केयरफुल, बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है उसके साथ। भाई को बहुत बहुत मुबारक, बॉस मीटर जीता हमारा भाई। क्या कहें? तो कुछ भी बोलने से पहले अपने ऊपर लेके देखा करो यार। अगर मेरे को लगेगा तो कैसा, तो मत बीच में पढ़ो प्लीज, डोंट टेक एनीबॉडीज़ साइड। आप मत पढ़िए बीच में। किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ उसके बात करने, क्योंकि आपका खुद का ही कोई साइड ही नहीं है। मैं ना जब इनिशियल ग्रो कर रहा था ना, मैं एक लड़के से फोटो मांगने गया था दिल्ली। मैंने कहा भाई मुझे एक फोटो करवा दे, बड़े सब्सक्राइबर वाला बंदा था उस टाइम, मेरे कुछ 10,000 रहे होंगे। उसने मेरे को दिल्ली बुलाया और दिल्ली से वापस भगा दिया। आपका भी नंबर आएगा, आप शातिर नहीं हो, मैं आपको बता दूं। आप बाइकर हो, आप एडवेंचर करते हो, आपने अपनी मेहनत से यूट्यूबिंग कर करके अपने लिए इतने बाबू भैया आप बने हो। कितने साल पहले शादी हुई आप दोनों की? बस अब 2 साल होने वाले। 2 साल उसके बावजूद ये सब? अरे साहब चाहे कितने भी साल हो जाए एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए। 4 महीने घर में क्या करोगे फिर? Be careful, बहुत पावरफुल लोगों का हाथ है उसके साथ। यार क्या मस्त बाइक है इनके पास। बिग बॉस सीजन 17 के 17 सदस्यों में कौन है वहाँ पे नंबर 1 पे, या किसके कितने फैन फॉलोइंग और उसमें कितने ज्यादा लोग एक्टिव है? और नंबर 1 पे भैया राज कर रहा है UK07 राइडर, एक है अनुराग डोभाल। इस बंदे की जो आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। सही बात, ड्यूटी लगेगी चुपचाप और ड्यूटी करें। आपको लैटरिन साफ की ड्यूटी मिलेगी, लैटरिन साफ करना आपकी शक्ल लगता है, आपको लैटरिन साफ की ड्यूटी मिलेगी गारंटी। यही नहीं अभी और सुनिए, आपको मिलेगी बस वो, आप कभी कैप्टन नहीं बनोगे। लैटरिन इतनी अच्छी साफ करोगे कि वो सारे यही चाहेंगे लैटरिन भाई। And here is the announcement guys, I'm finally going to Big Boss season 17. मेरे को ये बोलते हुए शायद यकीन नहीं हो रहा है कि यार मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि यार हम लोग फाइनली Big Boss season 17 में जा रहे हैं। ये UK का लौंडा आपके बाबू भैया फाइनली टीवी पे आ रहा है और धूम भी मचा दी अभी से। हार्टिंग भी बहुत है। यही बात है ना। हाँ एग्जैक्टली यही तो। आप उनसे पूछो ना भाई आपके YouTube पे कितने फॉलोअर हैं? मोटी जान मोटा पैसा दिखा दो कोई जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी। दोस्त, मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती है फिर भी आपकी और मेरी है। रिंकू जी सर, एक काम करेंगे जी सर, बगल में बैठी गद्दार और मुनव्वर को लेके कन्फेशन रूम से बाहर आ जाए। यहाँ से यहाँ कहाँ जाऊँ मैं? इधर किचन में। एल्विश यादव का एक पोस्ट आया एल्विश आर्मी के नाम, और वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई अनुराग को बॉस मेडल जितवाना है। तो उसके बाद से ही एल्विश आर्मी ने लगातार भाई काम शुरू कर दिया। रिजल्ट अब आ चुका। अनुराग जो है पहले हफ्ते का बॉस मेडल जीतकर मेरे को तो भाई बहुत मजा आ रहा है। मैंने मंकू को बता दिया तुम कहीं भी रहो। तुम घुटनों पे मालिश करा कर, जो उस बात से आग लगा रही है। तो ये बाबू भैया नाम कैसे पड़ा मुझे बताओ। बेसिकली मैं गढ़वाल से हूँ ना, तो गढ़वाल में स्टोन का बहुत प्रयोग होता है कि ऐसा है ना भाई जी, हमने तो आपके बेटे को पहले ही बोला था कि ये बेटा ना आपका बिग बॉस में जाएगा, बट आपका बेटा बहुत नाम कमाएगा आपके परिवार का। तो ये एक्सेंट ना गढ़वाल में यूज होता है। तो मैंने ना इस एक्सेंट पे बस एक लाइन और ऐड कर दी थी कि मैंने तो बता दिया आपके बाबू भैया बहुत बड़े स्पॉन्सर ले रहे हैं आजकल, बट मैं आपको स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूँ। उस वीडियो के बाद आज तक मुझे ना अनुराग डोभाल से, शायद मुझे लगता है बिग बॉस में जानते होंगे कि अनुराग, बट सब लोग मुझे बाबू भैया के नाम से जानते हैं। उनकी सारी वीडियोस फुल ऑफ एटीट्यूड थे, फुल ऑफ धमाकेदार थे। इन्होंने तो आग लगा दी। तो गाइस आप बताना आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। हमारे को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स सो मच।